गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सारसर कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। दोस्तों, कि आप सभी जानते हैं कि मैं खुद सारसर डेली बेसिस पे आप सभी के लिए कंप्यूटर क्लासेस लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो जैसे आप लोग की बात कर रहे हैं, आप जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रेजेंट, इन्वेंटरी की बात करते हैं। इन्वेंटरी क्या होता है? आज की जो क्लासेस होगी इन्वेंटरी के मेथड में होगी। इन्वेंटरी में हमारा क्लास होता है किसी भी स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम लोग इन्वेंटरी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? स्टॉक मेंटेन करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, स्टॉक मेंटेन कैसे होता है? जब मेजरमेंट की बात आएगी, नॉट फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट की बात आएगी, मेजरमेंट इकाई की बात आएगी, तो हम लोग को इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? इन्वेंटरी की नॉलेज होनी चाहिए। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टेली को ऑन कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास जो हमारी हो रही है वो टेली की क्लास हो रही है। और टेली की क्लासेस में टेली एक सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक कंपनी आप बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम इन्वेंटरी नाम की एक कंपनी बना लिए। क्या बना लिए? इन्वेंटरी नाम की एक कंपनी हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इन्वेंटरी नाम की एक कंपनी बना ली। ओके, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारी कंपनी जब बना लेती है, अगर हमारी कंपनी बन गई, बनने के बाद हमारा काम क्या है कि जो चीज करने वाले हैं उसका लेजर्स बनाना। तो आप सभी को पता है, आप सभी के पास मैथ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो अपना मैथ खोल लें। मैथ खोलने के बाद सबसे पहले देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर लेजर्स बना लेते हैं। और ये जो लेजर्स बना सकते हैं आप, या तो आप सिंगल लेजर्स बना लीजिए या तो मल्टी लेजर। अगर हम मल्टी लेजर्स बना लेते हैं, और हम हाउसेस कहाँ पे कर सकते हैं, सिंगल में भी कर सकते हैं, तो चलिए हम मल्टी लेजर्स बना लेते हैं। मल्टी लेजर्स में सबसे पहला तो एक कैपिटल होना ही है, जहां से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ये कैपिटल किसके अंदर आएगी? कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आना है। उसके बाद हमारा काम क्या था, दूसरा क्या बताया गया था, शॉप का डेकोरेशन। शॉप डेकोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी दुकान जब हम खोलते हैं तो उसमें डेकोरेट करना पड़ता है, डेकोरेशन करना पड़ता है। वो डेकोरेशन किसके अंदर आता है? फिक्स एसेट्स के अंदर आता है, जिसको हम लोग सेल्स नहीं करते हैं, परचेस करते हैं मगर हम उसको फिक्स के तौर पे करते हैं। तो यहाँ पे शॉप डेकोरेशन की बात करते हैं। ये जो शॉप डेकोरेशन है किसके अंदर आ जाएगा? फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाएगा, राइट? यही है ना। आप क्या कर रहे हैं, हम लोग परचेस कर रहे हैं। परचेस क्या कर रहे हैं आप लोग? शर्ट कर रहे हैं। शर्ट पी, पी मतलब परचेस अकाउंट्स। पी का मतलब हम लोग पी क्यों देते हैं, इंडिकेट देते हैं कि पी फॉर परचेस होना चाहिए। उसके बाद क्या है? पैंट है। हम लोग पैंट का क्या कर रहे हैं? पैंट पी। पी का मतलब क्या है? परचेस अकाउंट। पी का इंडिकेट क्या मतलब है? परचेस अकाउंट होता है। क्या होता है? परचेस अकाउंट। पैंट का मतलब क्या होता है? पी का मतलब परचेस अकाउंट। अब हमारा क्या था? साड़ी। क्या करना है हमको? साड़ी। साड़ी पी मतलब ये भी किसके अंदर आ जाएगा? परचेज अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट है हमारा। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट किसके अंदर आ जाना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। आप बच्चे बता सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा कैरिंग कॉस्ट? क्योंकि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम उस सामान को परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद उस सामान को हम लोग क्या करते हैं, अपने घर तक या अपने शॉप तक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट देते हैं, भाड़ा देते हैं। तो भाड़ा जब देते हैं, जो सामान हमारे दुकान में आ जाता है, तो डायरेक्ट पैसा देते हैं उनको। क्या करते हैं? डायरेक्ट हमारा पैसा लगता है पैकेट से। जो इफेक्ट पहुंचाता है डायरेक्ट, उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जानते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट दे चुके। देने के बाद अब हम क्या करेंगे, शर्ट को सेल्स करेंगे, पैंट को परचेस सेल्स करेंगे। जो चीज हम परचेस किए उसको सेल्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शर्ट एस सेल्स अकाउंट्स के अंदर आ गया। शर्ट्स पैंट, पैंट एस
ये भी सेल्स अकाउंट्स के अंदर आ गया, सारी एस ये भी सेल्स अकाउंट्स के अंदर आ गया। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ स्टाफ है काम कर रहा है, अब उसकी इनको सैलरी देना है, क्या देना है सैलरी देना है, तो सैलरी जो देंगे वो किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम कमाएंगे, कमाने के बाद हम अर्निंग करेंगे, अर्निंग के बाद ही हम उसको सैलरी देंगे। तो चलिए सैलरी दे देते हैं, सैलरी ठीक है, सैलरी पेड कर दे रहे हैं, ये किसके अंदर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इतना ही है, इस लेजर्स को हमने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली का मतलब ये हमारा मेन स्क्रीन है। अब देखिए जब इन्वेंटरी की काम आएगी तो सबसे बड़ा चीज अब यहाँ पे खेल होगा, क्या होगा यहाँ पे मेन है। अब मेन क्या है कि आप समझिए कि हमने जो शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, साड़ी खरीदा, वो क्वांटिटी में खरीदा, पीसेस पे खरीदा, कैश में खरीदा, पीसेस, जिसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक तो स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा और एक क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक मेजर ऑफ यूनिट्स बनाना पड़ेगा, एक स्टॉक आइटम और एक मेजर ऑफ यूनिट्स। ये कहां पर बनेगी, जस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, आप वहां पे आप आ जाइए, आने के बाद एंटर कर दीजिए, एंटर कर दिए, यहां से आपको चूज करना है, एक तो पहले स्टॉक आइटम और ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजर, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर को क्रिएट कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर में क्रिएट किए और यहां से क्या दे रहे हैं, नंबर में, नंबर पे ले रहा है ना हम लोग, पीसेस पे है, पीसेस पे है। चलो तो पीसेस पी आई सी एस पीस दे दिए, यानी कि पीसी कर दीजिए, क्या कर दीजिए पीसी एस कर दिए। फॉर्मल नेम क्या है इसका, पी आई सी एस पीसेस है ना, फॉर्मल नेम दे दिए और यहां से एक्सेप्ट कर लिए। चलिए हमने क्या कर लिया, यूनिट्स बना लिया, इकाई बना लिए। अब उसके बाद क्या बनाना है हमको, स्टॉक आइटम, पहले यूनिट्स ऑफ मेजर बनेगा, याद रखिएगा इन्वेंटरी के अंदर क्या बनेगा, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जो बनाएंगे तो स्टॉक आइटम में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्टॉक आइटम क्या क्या है हमारा, एक शर्ट है, पैंट है, साड़ी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एस एच आई आर टी शर्ट ले लीजिए यहां से, और यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट्स में नीचे में क्या करना है पीसेस को सिलेक्ट करना है, राइट। यहाँ पे कुछ मत करिए आप, यहां से आप निकल जाइए, ठीक है, क्लियर है, यहां से आपको कुछ नहीं करना, अभी एडवांस मोड नहीं कर रहे हम लोग, अभी अभी नॉर्मल कर रहे हैं बेसिक। अब क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, अब यहां से क्या कीजिए पीसेस ले लीजिए। अब यहां से क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉरी यहां से क्या ले रहे हैं पीसेस। हमारा काम हो गया, हमने क्या बनाया, एक तो कंपनी बना लिया, ऊपर से लेजर बनाया, उसके बाद आप क्या किया इन्वेंटरी भी बना लिया। अब इन्वेंटरी बनाने के बाद हम लोग फिर से कहां चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली पे चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली में चले जाएंगे। अब जो हमारा मेन काम है वो है वाउचर्स एंट्री, जिसको हम लोग कहेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। तो अकाउंटिंग वाउचर्स स्कीम में दिख रहा है आप लोग को, नॉर्मली दिख रहा है ना, अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाए यहां से आगे। जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको पैसा लेता है, कैपिटल लेता है, कैपिटल जो लेता है वो रिसीव करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए आपके पापा है और आपके पापा क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करना चाहते हैं आपके पापा या आप, पापा, तो पापा किसी से वो पैसा लिए होंगे, पापा अपने पापा से लिए होंगे, यानी कि दादाजी से लिए होंगे, तो पैसा दादाजी से लिए तो पापा क्या किए, रिसीप्ट किए। तो सबसे पहला एंट्री हमारा F6 यानी कि रिसीप्ट एंट्री होगी, क्या होगी रिसीप्ट एंट्री। तो रिसिप्ट में यहाँ पे केस दीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल आ गया, अमाउंट कितना 1,50,000, 1,50,000 रुपया आप क्या कीजिए एंट्री कर दीजिए, राइट। जब हम पैसा ले लेते हैं तो हमारा काम क्या है, परचेज करना, क्या काम है बाबू, परचेज करना। तो F9 में चले आइए, परचेज का एंट्री कौन सा है F9, F9 में यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नहीं देना और डेट तो नहीं देना है, पहले से हम लोग को मालूम है, क्या देना है यहाँ पे, अभी जो बिजनेस हो रहा है उधार उधार में तो नहीं हो रहा है, कैश में हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको कैश देना है, चलो कैश दे दिए, राइट। अब हम यहाँ पे परचेज लेजर, जो परचेज कर रहे हैं वो लेजर का नाम क्या है, शर्ट, यहां से हम शर्ट को सिलेक्ट कर लिए, शर्ट को सिलेक्ट कर लिए। ये जो देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम इज फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो दिख रहा है ना, अब इसकी एंट्री फर्स्ट रो में ही होगी, पहले क्या हो रही थी सेकेंड रो में ना, अब की एंट्री होगी फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में क्यों होगी, क्योंकि अभी बात होगी हमारा क्वांटिटी का,
मेजरमेंट की बात हो गई, मेजर की बात हो गई, मात्रा की बात हो गई, तो आप इसकी एंट्री होगी। तो यहां पे क्या करेंगे, हम सर्ट लेंगे, कितने पीस, 10 पीस। इसका देखिएगा यहां पे, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या किए, 10 पीस एंट्री किए। एंट्री करने के बाद उसकी रेट देंगे, रेट क्या था, 700 रुपया देंगे। अगर 700 रुपया देने के बाद जैसे ही हम इंटर प्लेस करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑलरेडी आपका आ जाएगा 20 पीस है, आ गया, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अब दूसरी एंट्री क्या है, कैश है। आप पैंट यहां से ले रहे हैं, यहां से पैंट ले रहे हैं, पैंट कितने पीस है, ये भी 20 पीस है, इसकी रेट 1000। इसकी भी एंट्री हमने कर दिया। फिर अभी एंट्री हमारी क्या है दूसरी, चलो सारी की एंट्री कर देते हैं। यहां से कितने हैं, कै पीस है सारी जी, 20 पीस, रेट 1200, इसकी भी एंट्री कर दिया, हो गया। हमने परचेस कर दिया, परचेस करने के बाद हमने परचेस किया, अब इसको क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट करना। ये कैरिंग कॉस्ट क्या इसमें एंट्री होगी, अगर हमारे पास सामान जो हम परचेस किए वो लेकर आकर दे रहा है तो हम उस गारे वाले को क्या देंगे, हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट जो करेंगे F5 में करेंगे। वेरी गुड, हमारे जितने भी बच्चे अच्छे हैं, F5 पेमेंट किस में करेंगे, कैश में करेंगे। कैश कीजिए, कैरिंग कॉस्ट यहां से सेलेक्ट कीजिए, कितना है, 1000 आप पेमेंट कर दीजिए, यहां से एक्सेप्ट कर दीजिए, हो गया एक्सेप्ट, हो गया। अब जब हमने परचेस कर लिया, कैरिंग कॉस्ट करके हमारे यहाँ सामान आ गया, मैं इसकी एंट्री भी कर लिया, अब हमारा काम क्या है, सेल्स करना। जो हमारा सेल्स होता है उसकी एंट्री किस में होती है, एफएच में होती है। मगर आप लोग भूल गए हैं कि कैपिटल लेने के बाद मैंने ऑफिस डेकोरेशन से किया, तो क्यों ना पेमेंट जब खुला हुआ है तो ऑफिस डेकोरेशन से को भी यही पे एंट्री कर दे, तो केस देकर, क्योंकि और ऑफिस डेकोरेशन का हम यही पे कर लेते हैं, हम लोग एंट्री क्या कर लेते हैं, सॉफ्ट डेकोरेशन का। सॉफ्ट डेकोरेशन में कितना खर्च किए थे हम लोग, 5000, चलो इसकी भी एंट्री हम यहीं पे कर लिए, क्योंकि यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि पेमेंट का काम चल रहा था तो पेमेंट कर लिए, फर्नीचर हमारा फिक्स सीट था ना, वो डेकोरेशन को एंट्री कर लिए। अब हमारा कौन सा काम है, जो सामान खरीद लिए सेल्स करना, तो सेल्स की एंट्री कितने में होती है, F8 में होती है, सभी को मालूम है F8 होती है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या किए, F8 को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे रेफरेंस नंबर छोड़ देते हैं, कैश किस में कर रहे हैं, सेल्स किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग कैश में डाल दिए। क्या कर रहे हैं सेल्स, सबसे पहले शर्ट का जो है कितने पीस कर रहे हैं, 18 पीस कर रहे हैं, रेट क्या है, 1100 है, राइट, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं इसका। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, पैंट कितने की एंट्री है, क्वांटिटी कितना पीस, 15 पीस, रेट क्या है इसकी, 1700, 1500, 1500, चलो इसकी भी एंट्री कर लिए। उसके बाद कौन सा है, कैश में है ना, सारे कितने पीस है, 16 पीस, रेट 1700, चलो इसकी भी एंट्री कर दी, यानी कि मैंने सेल्स का भी एंट्री कर दिया। अब मेरी एंट्री क्या है, जो स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहा है उस स्टाफ का पेमेंट करना, तो पेमेंट एंट्री फिर से F5, वो भी कैश में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम सैलरी पेड कितना, 500, एक्सेप्ट कर दिए। जब हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारा काम क्या है, एस्केप कर कहां पे आना, गेटवे ऑफ टेली मेन स्ट्रीम में आना, एस्केप कर दिया मैंने, और कहां पे आया, गेटवे ऑफ टेली मेन स्ट्रीम में। वहां से हमको क्या देखना, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, क्या देखना हम लोगों, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है जी, देखो सबको मिला है क्या, सेम टू सेम, हाँ मिल गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे परचेज अकाउंट 58,000 का है, सेल्स 69,500 एंड परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000, क्लोजिंग स्टॉक 11,200 है, क्या क्लियर है, RHS एंड NHS मिल गया है, कहीं पे डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए,
एस्केप कर दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एस्केप कर दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट को देख रहे हैं। बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है, फिक्स एसेट्स कितने हैं, 5000। सही है, ओके, एकदम। अब बन गया, बन गया ना, किसको किसको बन गया, थोड़ा हाथ उठा दीजिए सब कोई। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है हमारा, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, चले कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज जो वीडियो बनी है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इन्वेंटरी के विषय में है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट को सही प्रकार से एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वीडियो से बहुत छात्र एवं छात्राओं तथा हमारे प्रीव्यूज जो ओल्ड स्टूडेंट है जो कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। और इस वीडियो का लुत्फ जरूर उठाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं जान सकूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप तक जो वीडियो जा रही है, क्लासेस हो रही है, इससे आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं। और आप जब तक शेयर और कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा, तो मुझे भी मोटिवेट करते रहिए कि इसी तरह बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपके बीच उपस्थित रहूं। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए, आपका सांसद, जय हिंद जय भारत।